हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो टॉपिक है आर्थोपोडा। आर्थोपोडा आपको पता होगा, आर्थोपोडा एक फाइलम एनिमल्स हैं। अगर कोई पूछता है आपसे कि आर्थोपोडा का जनरल करैक्टर क्या होता है, आप उसको सीधे से ये बताना होगा आपको जनरल करैक्टर। आर्थो माने होता है जॉइंटेड, आर्थो माने होता है उसकी जो बॉडी है वो जॉइंटेड होता है, पोडा माने होता है अवेंडेड, फॉर लोकोमोशन उसकी जो बॉडी है वो लोकोमोशन में क्या करती है, हेल्प करती है। लार्जेस्ट एनिमल फाइलम आर्थोपोडा जो होता है वो लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है। 60 से 65% इसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें इसकी जो बॉडी होती है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। आर्थ्रोपोडा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, ये तीन लेयर से मिलकर बनी है। नंबर एक आपका है इक्टोडर्म और मीजोडर्म और एंडोडर्म। आपको पता होगा इक्टोडर्म क्या है, इक्टोडर्म सबसे बाहर की लेयर है, मीजोडर्म जो है वो मिडिल का लेयर है, एंडोडर्म है सबसे बाद की लेयर। आपको पता हो गया होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता क्या है। फिर आपको बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है आर्थ्रोपोडा में, जो बाइलेटरल और सिमेट्रिकल होती है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल में होता है। ओपनिंग सर्कुलेटिंग सिस्टम, आर्थ्रोपोडा में जो सर्कुलेटिंग होता है वो ओपन में होता है। बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है थ्री रीजन में। हेड हो गया, नंबर वन हेड हो गया, नंबर दो हो गया